जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बिल्कुल ही नई सीरीज जो है सूट्स की सीरीज। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार सूट्स जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो शादियों पे, पार्टीज में और भी किसी फंक्शन में शलवार कमीज या पैंट शर्ट के साथ ही गुजार देते हैं, क्योंकि उनके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं नजर आता उनको कि यार हम 8-10 हज़ार रुपया इस सूट पर लगाएंगे तो उसके बाद एक बार पहनना उसको तो उसके बाद छुट्टी। ऐसा नहीं है बॉस, मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सूट को कहां कहां और किस किस तरह वेयर कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो आज का जो हमारा पहला कलर है वो है नेवी ब्लू। तो हम सबसे पहले फुल सूट की बात करेंगे जिसमें आपका 3 पीस या 2 पीस भी हो सकता है। इसको आपने वेयर करना है व्हाइट शर्ट के साथ, व्हाइट या ऑफ व्हाइट। उसके बाद मैचिंग टाई आप रेड भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं, नेवी ब्लू भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको वेयर करेंगे फॉर्मल ब्राउन शूज के साथ। और अगर आप गोल्डन वॉच पहन लो ना मेरी जान, तो इस सूट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। तो सेकेंडरी बात करूं तो आप उसी सूट को किसी और फंक्शन में भी पहन सकते हैं, अगेन 3 पीस या 2 पीस दोनों में से कोई एक। उसके बाद आप इस बार इसको ब्लैक शर्ट के साथ वेयर करेंगे और ऊपर के 2 बटन आप खोलेंगे और टाई नहीं लगाएंगे बॉस, समझ रहे हो। उसके बाद ब्लैक शूज, फॉर्मल शूज, बूट्स मत पहन लेना मेरी जान, और ब्लैक वॉच के साथ। इसमें तो आपकी लुक की और नजर आएगी, जहां जाओगे लड़कियां सिर्फ तुम्हें ही देखेंगी मेरे भाई। अब ये तो होगी शादियों की बात, अब हम इसको किसी पार्टी में कैसे पहने। तो तुम्हें अगर दोस्त ने इनवाइट कर ही लिया है तो तुम इसको पोलो के साथ पहनो ना यार। ब्लू जीन्स विद व्हाइट पोलो, ऊपर ये वाला कोट चस्का देगा बॉस। और अगर बुला लिया है किसी ने डेट पे तो पहन लो इसको ब्राउन चीनो, व्हाइट शर्ट, व्हाइट स्नीकर और नेवी ब्लू कोट के साथ। तो जी ये थी इस सीरीज की पहली वीडियो। हम और भी सारे सूट्स लेकर आएंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि उनको आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।